सतना में 13 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी के घर पहुंची एसडीओपी हिमाली सोनी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण। आरोपी के घर की तलाशी लेते हुए आरोपी के परिजनों से की पूछताछ। ग्वालियर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के अपराधों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित सांगी जी के अलावा जिले के समस्त पुलिस अधीक्षकगण, राजपत्रित अधिकारीगण एवं संस्था थाना प्रभारी और यातायात के अधिकारीगण रहे उपस्थित। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ के अंतिम छोर पर बसी आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत भवारी में पीने के पानी का संकट, गांव में लोगों को लगातार हो रही असुविधा, इसके बाद भी गांव में पेयजल के इंतजाम नहीं किए जा रहे। हालत यह है कि गांव में दूर स्थित जल स्रोतों से लोगों को पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में गाँव के लोग पानी के लिए दर दर भटकने को हो जाएंगे मजबूर। ग्रामीण में फूट रहा आक्रोश, हो सकता है बड़ा आंदोलन। यहाँ बड़ी बहुत बड़ी समस्या है पेयजल को लेकर के, यहाँ की जनता बहुत परेशान है और एक साल करीब हो गया जब यहाँ नल जल योजना संचालित है लेकिन उसमें एक भी बूंद आज तक पानी नहीं आया है। जगह घर सिर्फ नल लगा कर रखा गया है और उसमें एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी को बाल्टी भर पानी मिलता हुआ। हमने शासन प्रशासन से यहाँ तक बहुत आवाज़ उठाई, पंचायतों पर, ग्राम पंचायत में सचिव को, सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायक को, सबको बोल चुका है इसके लिए, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नल लगा यहाँ से उखाड़ के ले जाओ, हम पानी से परेशान, नदी से पानी वहाँ जा रहे हैं, एक खेत पर पानी नहीं पूछता, पूरी बस्ती का इंसान हलाकान है, क्या करेगा इंसान, पानी पिएगा, ये लगा के रखे हैं, उठा के ले जाओ तुम्हारा तीन टप्पर, हम क्या करेंगे, हम पानी की बहुत समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या पानी की। क्या नाम आपका? मेरा नाम जहायदा खान है। रामनगर परिषद सीएमओ ने रीवा रोड स्थित शराब दुकान के सामने दुकानदारों को दी हिदायत। नगर में कचरा फैलाने वालों की अब खैर नहीं, दुकान के बाहर रखे जाएंगे डस्टबिन, नहीं तो कल से होगी जुर्माने की कार्यवाही। छिंदवाड़ा के ग्राम बीसापुर खुर्द के प्रगतिशील किसान श्री कमल पाठे नवाचार द्वारा पथरीली जमीन में भी उगा रहे लाखों की फसल। समन्वित कृषि मॉडल से पथरीली जमीन में खेती कर कृतक श्री पाठे ने बनाई अलग पहचान, कृषि को बनाया लाभ का धंधा। तो ना जाने पहले बस्ती जाखावाड़ी में तो यही पर कालांतर में जब घना जंगल होने के कारण यहाँ से बस्ती गांव की ओर चली गई, लेकिन माता रानी माँ भगवती आज भी यहीं पर विराजमान हैं। जाखावाड़ी और दोनों के लोगों के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर लगभग हमारे ऑल इंडिया लीनेस क्लब विंद सतना ने अध्यक्ष लीने सीमा अग्रवाल के नेतृत्व में स्थानीय क्लब भवन में मासिक जनरल मीटिंग का किया आयोजन और ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु उत्सव का हर्षोल्लास के साथ किया आयोजन। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एरिया के साथ बड़ी संख्या में लीनेस बहने रही मौजूद। छिंदवाड़ा के ग्राम बिछुआ में प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ललित चावला जी के नेतृत्व में बैठक हुई संपन्न, जिसमें देवास जिले से पहुंची समिति की प्रदेश मीडिया प्रचारक सबनम शेख, जिला अध्यक्ष राजा मंसूरी व प्रदेश सांस्कृतिक खेल प्रभारी हबीब मंसूरी रहे उपस्थित। बैठक में आसपास के गाँव से पहुँचे दिव्यांगों की सुनी गई समस्या। जो शासन की योजनाएं आती है किसी को पता भी नहीं चल पाता। अभी मुझे प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति से जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इस तरह से चाहता हूँ कि यहाँ होशंगाबाद अब नर्मदापुरम राज्य शासन द्वारा नाम बदलने की अधिसूचना जारी, रेलवे स्टेशन पर नर्मदापुरम के बोर्ड लगने शुरू। छिंदवाड़ा जिले के कोयांचल क्षेत्र चांदा मेटा में लगातार हिंदू धर्म विरोधी गौ तस्करी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। हिंदू धार्मिक आयोजनों पर अंकुश लगाने वाले थाना प्रभारी के खिलाफ विहिप बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन। हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विगत दिनों बसंत पंचमी के दिन टीआई चांदा मेटा के द्वारा हिंदू धर्म का झंडा उखाड़ कर फेंके जाने के विरोध में एवं
काफ़ी समय से वहाँ होलिका दहन उस स्थान पर किया जाता है, क्योंकि केवल और केवल वहाँ झंडा 15-20 दिनों के लिए वहाँ स्थापित किया गया था, उसके पश्चात उस ध्वज को हटा लिया गया था, लेकिन PI के द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की गई जिससे उस हिंदू दर्शन धर्म के लोग आहत है। उसी समय स्वच्छ जल पीना ही जीवन का आधार है, स्वच्छ जल पिए और स्वस्थ रहें। Heavens Aqua Mineral Water, प्राकृतिक रूप से शुद्ध किया हुआ ठंडा पानी जो प्यास बुझाकर हमारे शरीर की आवश्यक जल आपूर्ति करता है। फूड ग्रेड फुली इंसल्टेड थर्मोजार में उपलब्ध है ताकि 12 घंटे तक ठंडक बनी रहे। अभी कॉन्टेक्ट करें 9111337711। Heavens Aqua Mineral Water। सतना जिले में वैश्य महासम्मेलन के उपलक्ष्य में युवाओं ने किया रक्तदान, जिसमें सभी तहसील के युवा रहे उपस्थित। वैश्य महासम्मेलन के हमारे संपादक अध्यक्ष जो संस्थापक अध्यक्ष हैं नाना जी नारायण प्रसाद गुप्ता जी स्वर्गीय, उनके उसमें पुण्यतिथि में हम लोग हर साल जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं वो लोग रक्तदान करते हैं, महिलाएँ बच्चे सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करते हैं और ये हम लोग कई सालों से पूरा चला रहा है। कितने लोगों ने आज रक्तदान किया? अभी प्लानिंग करीब 51 लोगों के हम लोग हैं आज रक्तदान। सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का 74 साल की उम्र में हुआ निधन। पिछले कई माह से चल रहे थे बीमार, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे प्रवीण कुमार। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।